नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का इस धर्म संवाद के विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, धर्म के अनुसार मनुष्य जन्म का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है, इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक प्रसंग में ईश्वर के निकट कैसे पहुँचेंगे, इसलिए आवश्यक साधना हमारे धर्मशास्त्र में बताई गई है। जन्म से लेकर विवाह तक जीवन का एक चक्र पूर्ण होता है, उसी प्रकार का चक्र संतान के जन्म से लेकर उसके विवाह तक का चलता है और पीढ़ी दर पीढ़ी इसी प्रकार से चलता रहता है। ईश्वर के निकट पहुँचने हेतु गर्भधारण से विवाह तक के काल में जीवन के प्रमुख 16 प्रसंगों में कौन से संस्कार करने चाहिए, इसका ज्ञान हमारे 16 संस्कार द्वारा मिलता है। आगे चलकर इन संस्कारों के कारण उपासना उत्तम होने लगती है और आज इन 16 संस्कारों के संदर्भ में हम जानकर लेने वाले हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने हेतु हमारे साथ उपस्थित हैं हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी का हम परिचय जानकर लेंगे। आप ENT सर्जन हैं और अध्यात्म के अधिकारी संत हैं। विगत 21 वर्षों से आप देश विदेश में हिंदू धर्म प्रसारक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आपने अनेक ग्रंथों का संकलन भी किया है। वैद्यकीय क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में आपके अनुभवों का हम सभी को निश्चित ही लाभ होगा। तो आइए आज के इस विशेष धर्म संवाद के विशेष सत्र में हम उनसे चर्चा के लिए प्रारंभ करते हैं। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, 16 संस्कार के विषय में बहुत लोगों के मन में एक जानकारी लेने हेतु बहुत उत्साह भी है, इसलिए एक प्रश्न था, 16 संस्कार में से गर्भाधान संस्कार ये सर्वप्रथम संस्कार है, इसके विषय में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। मैं सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी से पूछना चाहूँगा कि 16 संस्कार में गर्भाधान संस्कार के महत्व के बारे में आप हम सभी को बताएं। सर्वप्रथम हम गर्भाधान जो संस्कार है उसका उद्देश्य समझ कर लेते हैं। किसी भी दंपत्ति को एक तेजस्वी संतान की प्राप्ति हो, इस उद्देश्य से यह संस्कार किया जाता है। और एक राष्ट्र या देश के संदर्भ में अगर विचार करते हैं तो राष्ट्र में प्रजा की, उत्तम प्रजा की उत्पत्ति हो, यह दूसरा उद्देश्य होता है। इस हेतु पति पत्नी को कुछ नियम बताए जाते हैं, संयमित जीवन जीना, सात्विक आहार लेना या भोग विमुक्त विचार प्रक्रिया रखना, इस विषय के सूत्रों में उनको अवगत किया जाता है। इस संस्कार में विशिष्ट मंत्र एवं होम हवन द्वारा पति पत्नी के देह की शुद्धि करना होता है तथा उन्हें अध्यात्म शास्त्रीय दृष्टिकोण से तथा आरोग्य की दृष्टिकोण से गर्भधारणा कैसी हो, यह मंत्रों द्वारा उन्हें समझाया जाता है। अब उत्तम प्रजा की उत्पत्ति है तो और क्या करना होता है? तो सुप्रजा सिद्धांत के अनुसार उचित गर्भधारणा करने हेतु सर्वप्रथम गर्भधारणा के पूर्व पिंड की शुद्धि किया जाता है। संत तुकाराम महाराज जी ने कहा है, शुद्ध बीज में ही रसीला फल समाहित होता है। ऐसे उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि प्रत्यक्ष में स्त्री ही एक राष्ट्र की जननी है और इस विषय में उसे जागृत करते रहे, इस हेतु यह गर्भधान संस्कार भी होता है। व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक कष्टों में कुल मिलाकर 2% जो कष्ट होता है वो बीज गर्भ के दोषों के कारण होता है। उनमें से आधे कष्ट शारीरिक होते हैं तो आधे मानसिक कष्ट होते हैं। और बीज एवं गर्भ से संबंधित दोष दूर करने हेतु ही गर्भाशय की शुद्धि की जाती है। एक बार किसी ने गुरुदेव डॉक्टर काटे स्वामी जी को इस संदर्भ में एक प्रश्न पूछा था तो उन्होंने एक बहुत सटीक उत्तर दिया था कि वैसे तो गर्भदान करने से अच्छी संतान प्राप्त होती नहीं,
परंतु अगर वो नहीं किया गया तो हो सकता है कि अत्यंत हीन या निकृष्ट या रुग्ण प्रकार का संतान की प्राप्ति हो सकती है। और इसीलिए हमें इस गर्भाधान संस्कार का महत्व समझ में आता है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, गर्भाधान संस्कार के बारे में आपने हमें बताया, तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि पुंसवन एवं सिमंतोन्यून संस्कार का क्या महत्व है? षोडश संस्कार रत्नमाला नामक ग्रंथ में पुंसवन संस्कार का अर्थ इस प्रकार दिया है, पुमान अर्थात वीर्यवान यानी बलवान। ऐसी संतति जिस संस्कार के बल पर निर्माण होती है उसे पुंसवन संस्कार कहते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि पुंसवन नाम के इस संस्कार से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं। वैसे पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों मनुष्य जीवन में समान अधिकार रखते हैं। अब ये सिमंतोन्नयन जो संस्कार है उसका उद्देश्य क्या है ये हम समझ लेंगे। सिमंत एवं उन्नयन, इन दो शब्दों से यह सिमंतोन्नयन शब्द बना हुआ है। सिमंत का अर्थ है मांग की रेखा और उन्नयन का अर्थ है कि बालों को ऊपर से पीछे की ओर मुड़ना। सिमंतोन्नयन अर्थात पत्नी के सिर के बालों को ऊपर से पीछे की ओर मांग कर निकालना, इस प्रक्रिया को सिमंतोन्नयन कहते हैं। इससे उसके सहस्रार चक्र से अच्छी तरंगे शरीर में आकर सुयोग्य गर्भवृद्धि में सहायक होते हैं। सिमंतोन्नयन इस अंतर्गत मंत्र से अभिमंत्रित हुआ यज्ञ प्रसाद होता है। यह अनेक फल देने वाले औदुम्बरादि औषधीय वनस्पति, साही के जो एक बहुपसव प्राणी है जिसके शरीर में अनेक कांटे होते हैं उसका कांटा इत्यादि वस्तु से पति अपने पत्नी के सीमंत का अर्थात उसके मांग का उन्नयन अर्थात उसको पीछे फेरता है। इस भावपूर्ण संस्कारों के कारण गर्भवती में विद्यमान चैतन्य शक्ति गर्भ के लिए अधिकाधिक प्रेरणादायी सिद्ध होती है और इसलिए इस संस्कार का एक महत्व बच्ची के जन्म में होता है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, जात कर्म अर्थात जन्म विधि, तो जिसे पुत्रावरण भी कहते हैं, तो इसके विषय में आप क्या बताएंगे? ये जो जात कर्म का जो संस्कार है वो आजकल बच्चों का जन्म प्रसूति गृह में होने के कारण वो हो नहीं पाता है। अधिकतर जगह यह संस्कार नामकरण संस्कार के साथ ही किया जाता है, परंतु इस संस्कार का शास्त्र एवं महत्व हमें पता रहना चाहिए, इसलिए आज हम उनकी जानकारी जरूर लेंगे। गर्भाशय का जो जल होता है वो जो भ्रूण होता है, जो गर्भाशय में बच्चा होता है, उसके मुख द्वारा उसके पेट में प्रवेश करता है, परंतु यह जल अभक्ष्य होता है यानी वो मुख से पेट में लेना योग्य नहीं होता है। इसलिए उसे इस भक्षण का यानी उदक प्राशन आदि दोष माना गया है। उदक प्राशन से गर्भ संबंधी दोषों का निवारण हो एवं पुत्रमुख देखने से पुत्र का पिता ऋण से अर्थात पितृ ऋण से, ऋषि ऋण से, देव ऋण से तथा समाज ऋण से मुक्ति हो, इस हेतु से यह जात कर्म संस्कार करना यह एक प्रमुख उद्देश्य होता है। यह संस्कार करते समय एक संकल्प किया जाता है। इस संकल्प में कहा जाता है कि मेरे इस पुत्र द्वारा गर्भोदक यानी गर्भ में का जो जल है उसका प्राशन आदि से लेकर घटित सर्व दोषों का परिहार हो, नाश हो, बीज गर्भ से घटित दोषों का निरसन हो, उसकी आयु एवं मेधा की वृद्धि हो तथा श्री परमेश्वर के प्रीति के उद्देश्य से मैं यह जात कर्म संस्कार करता हूँ, इस तरह का
पहले संकल्प किया जाता है। उसमें कहा जाता है कि हे प्रिय पुत्र, मैं तुम्हें मधु यानी शहद तथा घृत यानी घी प्रथम पिलाता हूँ। विश्वोपादक जो परमेश्वर की कृपा है, उसी से तुम्हें ज्ञान मिले एवं आपके जीवन में धन धान्य की समृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना भी इस समय किया जाता है। और आगे यह भी कहा जाता है कि सदा सर्वकाल परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करे तथा आपको 100 वर्ष की वो आयु दे, ऐसा पूर्ण संकल्प इस विधि के समय किया जाता है। अब इस विधि के बारे में हम जान लेंगे। इस विधि में मधु एवं घी, चंदन घिसने का जो पत्थर होता है उसमें रखकर उसमें प्रथम सोने को घिसते हैं, और यह जो मिश्रण होता है वह सर्वप्रथम शिशु को चटाया चम्मच से चटाया जाता है। इस समय जो चम्मच का उपयोग होता है वह सोने का चम्मच होता है। तत्पश्चात स्वर्ण खंड से यानी सोने के टुकड़े से वही मधु एवं घृत का जो मिश्रण होता है वो बालक को पिलाया जाता है, और वह स्वर्ण जो खंड हमने उपयोग किया था है वो पानी से धोकर बालक के दाएं कान पर रखा जाता है। इसके उपरांत उस पुत्र के मुख के पास अपना मुख लेकर पिता ओम मेधाम ते देवा इस प्रकार की एक ऋचा का उच्चारण करते हैं। इस ऋचा का यही अर्थ है, पिता अपने पुत्र से कहते हैं, हे प्रिय कुमार, परमेश्वर तुम्हें वेदाभ्यास करने के लिए तीक्ष्ण एवं शीघ्र बुद्धि दे। प्राणापान एवं अखिल सोमादिकों का माला समान धारण करने वाले जो दो वायु है, जो अश्विनी देव है, वे तुम्हें अच्छी बुद्धि दे, यानी इसमें अच्छी बुद्धि और मेधा शक्ति के लिए देवता से प्रार्थना किया जाता है। तत्पश्चात वही जो स्वर्ण खंड है वो बालक के बाएं कान पर रखकर पुनः ओम मेधांते देवा यह ऋचा दोबारा बोले जाती है। और जात कर्म में ये संस्कार करते समय स्वर्ण का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि स्वर्णों की जो सात्विक तरंगे होती है वो ग्रहण एवं प्रक्षेपण करने की क्षमता अन्य धातुओं की अपेक्षा स्वर्ण में ही अधिक होती है, इसी कारण स्वर्ण को प्रयोग किया जाता है। तत्पश्चात मंत्र पढ़कर बालक के मस्तक को 3 बार पिता सूंघते हैं तथा बालक का जो भविष्य में नाम रखने का है वो उसी समय वो अपने मन ही मन में निश्चय करते हैं। गर्भाशय में बालक का जो ब्रह्मरंध्र होता है वह बंद होता है, जब पिता उसका मस्तिष्क को सूंघते हैं तो वह खुल जाता है। कभी कभी पिता मस्तिष्क को ना सूंघते हुए ब्रह्मरंध्र के स्थान पर 3 बार उश्वास छोड़ते हैं, तो उससे भी वही लाभ होता है बच्चे को। मगर ऐसी क्रिया करने के लिए पिता अत्यंत सात्विक होना आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार का ये जात कर्म का एक संस्कार किया जाता है जी। नामकरण संस्कार के विषय में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, नाम संस्करण का संस्कार का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि शिशु को पहचाना जा सके, और इसके लिए और बालक के बीज से और गर्भ से आए पापों का प्रक्षालन भी हो, यह भी एक उद्देश्य होता है। इस संस्कार में बालक के आयु वृद्धि के लिए तथा उसके सर्व व्यवहार सिद्ध होने के लिए भी यह संस्कार आवश्यक होता है। इसी के साथ परमेश्वर के प्रति प्रीति उत्पन्न होने के लिए यह नामकरण विधि का जो संस्कार होता है वह बताया गया है। हमारे यहाँ नाम रखना भी एक संस्कार है, उसकी एक विधि है, उसका एक निश्चित नियम है। उसके नामकरण का बालक पर होने वाले परिणाम का अध्ययन हमारे ऋषि मुनियों ने करके रखा है, और इतना गहन विचार करने वाले सनातन धर्म के प्रति कितनी भी कृतज्ञता हम व्यक्त करें तो अल्प ही होगी ऐसे मुझे लगता है।
अब नामकरण के दिन क्या संकल्प किया जाता है वो हम समझ लेंगे। उस समय संकल्प में यह कहा जाता है कि मेरे इस बालक के बीज एवं गर्भ से हुए पापों का क्षालन हो, इसकी आयुर्वृद्धि हो, अन्य सभी व्यवहार सिद्ध हो तथा श्री परमेश्वर के प्रति प्रीति निर्माण हेतु मैं यह नामकरण का संस्कार करता हूँ और उसमें अंगीभूत श्री गणपति पूजन, पुण्यावाचन, मातृका पूजन एवं नांदी श्राद्ध, यह एक छोटा सा विधि भी उसमें अंतर्भूत होता है। अब नामकरण संस्कार का शास्त्र भी हमें समझना चाहिए। शास्त्र के अनुसार शिशु का नामकरण 11वें, 12वें अथवा 13वें दिन करना चाहिए। इस दिन नामकरण करने के लिए माता की शुद्धि होती है। नामकरण करते समय एक कांस्य पत्र में चावल रखकर उस पर शिशु का नाम लिखा जाता है। अब नाम संस्कार की जो विविध पद्धतियां हैं या विविध रूढ़ियां हैं वह हम समझ कर लेते हैं। लड़के का जो नामकरण है वो 12वें दिन तथा लड़की का जो है वो 11वें दिन में करने की अनेक जगह एक रूढ़ी और परंपरा स्थापित हुई है। किसी किसी कुल में जन्म के पश्चात 40 दिनों के बाद नामकरण करने की एक प्रथा है। शिशु के नामकरण के दिन माता द्वारा कुल देवता की पूजा एवं प्रार्थना कर नामकरण करने की भी एक प्रथा है। जन्मदिन से 12वें अथवा 13वें दिन पालकारोहण विधि करते हैं। उस समय पालकारोहण यानी शिशु को पालने में डालना, यह विधि एक महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरह से ये नामकरण की विधि की एक संक्षेप में। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने 16 संस्कार में से आप हर संस्कार का अध्यात्म शास्त्र क्या है ये हम सभी को बता रहे हैं। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप ये जानकारी आप स्वयं भी देख सकते हैं और आपके जो मित्र हैं उनको भी आप सभी को बता सकते हैं। मैं इसके आगे में बढ़ना चाहूँगा, मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी कि नामकरण संस्कार के बारे में आपने बताया, तो नाम रखते समय कौन सी बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए? नाम रखते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देवताओं के जो नाम है वो देवताओं के रूप में जो विद्यमान स्पंदने हैं उससे वो निश्चित मेल खाते हैं, किंतु मानव के विषय में ऐसा नहीं होता है। मानव का नाम उसके रूप के स्पंदनों से मेल खाए, उसके लिए आवश्यक जो है वैसे नाम का चयन करना आवश्यक है, ऐसे हमें शास्त्र ने बताया है। अब बालक का नाम रखते समय आगे कुछ लिखित नियम है उसका हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब नाम का जो प्रथम अक्षर होता है या जो घोष मृदुवर्ण अर्थात ककरादि पंचवर्ग के आरंभ के दो वर्ण छोड़कर बाकी के ग घ ङ नहीं होना चाहिए। जो झ य ये 19 वर्णों में से ही हो ऐसा हमें देखना चाहिए। ककरादि जो पंचवर्ग के प्रथम दो वर्ण हैं अर्थात क ख च छ इस श्रृंखला के जो है ये वर्ण पृथ्वी तत्व प्रधान होते हैं या आप तत्व प्रधान होते हैं तथा त्रिगुण में से तमोगुण प्रधान होते हैं, इसलिए नाम के जो प्रथम अक्षर हो वो इसमें से ना हो ऐसे हमें सावधानी बरतनी होगी। नाम का जो अंत अक्षर है वो दीर्घ अथवा विसर्ग युक्त हो, इस नियम के दो कारण हैं। एक यानी ह्रस्व अक्षर शक्ति प्रधान तथा दीर्घ अथवा विसर्ग युक्त जो अक्षर है वह शिव प्रधान होता है। अब दूसरा इसका कारण है कि मनुष्य जन्म का जो ध्येय है आध्यात्मिक उद्देश्य है वह शिव तत्व से एक रूप होना है, इसलिए इस तरह के अक्षर का हम चयन करना आवश्यक होता है। अब कितने अक्षर का नाम हो इस संदर्भ में शास्त्र क्या बताता है,
तो बालक का नाम दो अथवा चार अक्षरों का हो। उदाहरण के तौर पर देखे तो भद्र, देव, देवदत्त, भव, शंभुनाथ, रामेश्वर आदि आदि। और बालिका का नाम जो है वो विषम अक्षर संख्या का हो, अच्छा अर्थात 3, 5 या 7 अक्षरों का हो सकता है। अब ये शास्त्र क्या है, सम क्या है और विषम क्या है? तो विषम संख्या के जो अक्षर होते हैं वो शक्ति प्रदान होते हैं, और सम संख्या के जो अक्षर इत्यादि जो है वो शिव प्रधान होते हैं। अब स्त्री के नाम का जो आद्याक्षर है वह द्वित्व नहीं होना चाहिए। द्वित्व का अर्थ है समान दो अक्षरों का जोड़ना, जैसे गुब्बारा, बच्चा, यानी उसमें गुब्बारा में जो ब है या बच्चे में का जो च है वो समान अक्षर एक साथ आए हैं। अब इसका मुख्य कारण क्या है कि स्त्रियां शक्ति प्रधान होती है और आद्याक्षर का जो द्वित्व होता है वो पुरुष प्रधान होता है, इसलिए आद्याक्षर का जो द्वित्व है वो होने पर स्त्री पर अनिष्ट परिणाम होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है और इसलिए वह टालना चाहिए। यदि हमें बच्चे की कीर्ति हो ऐसी इच्छा रखते हैं तो बच्चों का जो नाम है वो दो अक्षरों का रखना चाहिए। ब्रह्मवर्चस्व, अध्ययन तथा आचार के समृद्धि की इच्छा अगर है तो हमें बच्चों का नाम 4 अक्षरों का रहना चाहिए। 4 अक्षर ये 4 पुरुषार्थ के प्रतीक है, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के प्रतीक है, और भारतीय मनोविज्ञान दृढ़ता से यह प्रतिपादित करता है कि व्यक्ति के नामों का परिणाम मानवीय मन पर, उसके व्यवहार पर तथा उसके जीवन पर निश्चित होता है, और इसलिए हमें नाम जो रखना है वो सोच विचार कर, शास्त्रों को जानकर ही रखना चाहिए। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह मनुस्मृति का एक श्लोक है। इस श्लोक का यही अर्थ है, इसमें कहा गया है कि अपने गुण कर्म के अनुसार पुत्र का नाम रखें। पुत्र का नाम रखते समय ब्राह्मण के लिए मंगलवाचक अर्थ से नाम रखें, क्षत्रिय के नाम में सामर्थ्य सूचक, वैश्य के नाम में संपत्ति सूचक तथा क्षुद्र के नाम में सेवक रूप का भाव हो। ब्राह्मण का नाम शर्म शब्द से युक्त हो, क्षत्रिय के नाम में रक्षावाचक शब्दों का उपयोग करें, वैश्य के नाम में समृद्धिवाचक शब्द हो और क्षुद्र के नाम में आश्रिताता सूचक यानी दास्य सूचक शब्दों का उपयोग करें, स्त्रियों के नाम का उच्चारण सुखदायक, क्रूरता दर्शक अर्थ से रहित, सहज समझ में आने वाला, दीर्घ स्वर के अंतिम अक्षर वाला तथा आशीर्वाद शब्द से युक्त रखे, उसका लाभ होता है। अब पूर्व काल में ब्राह्मणों के नाम के आगे शर्म, क्षत्रियों के नाम के आगे वर्म, वैश्यों के नाम के आगे गुप्त एवं क्षुद्रों के नाम के आगे दास का पद जोड़कर नाम रखने की परंपरा थी। अभी कलयुग में जन्मतः वर्ण ही समझना कठिन है, कोई आध्यात्मिक अधिकारी ही व्यक्ति वर्ण बता सकता है। कभी कभी जन्म कुंडली जो बनाई जाती है उसमें उस बच्चे का वर्ण लिखा होता है, और शास्त्र के अनुसार जन्मतः जायते क्षुद्रा, इस युक्ति के अनुसार वैसे तो जन्मतः सभी क्षुद्र होते हैं, तो इसमें अब इस युग में हमें तारतम्यता से ये शास्त्र जानकर नाम रखने की आवश्यकता होती है। अब जैसे कोई भक्त है तो वो अपने ईश्वर या गुरु का वो स्वयं को दास मानता है, तो वो अपने नाम के आगे दास जोड़ता है। जैसे समर्थ रामदास स्वामी, जन्मतः वह ब्राह्मण वर्ण के थे, ऋषि और आध्यात्मिक अधिकारी थे, पर स्वयं को वो राम के सामने क्षुद्र मानते थे, वो स्वयं को राम के दास मानते थे, तो उन्होंने स्वयं का नाम रामदास रखा था। और इसी तरह से शिशु का नाम अपनी रुचि से रखने के बजाय हम नक्षत्र चरण, अक्षरानुसार, आध्यात्मिक अर्थ वाला रखना चाहिए, उदाहरण चैतन्य, भक्ति, कृपा इत्यादि से युक्त होना चाहिए।
आपने अभी जैसे बताया तो नामों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं क्या, तो इसके विषय में भी आप हमें बताएं। हाँ कार्तिक जी, नामों के भी बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं। उसमें के जो प्रमुख चार प्रकार प्रचलित है उसके बारे में मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले जिस नक्षत्र पर शिशु का जन्म होता है उसके संदर्भ में जो नाम होता है उसे नक्षत्र नाम कहा जाता है। जिस मास में शिशु का जन्म हुआ होता है उसे उसे मास नाम कहा जाता है। कुल परंपरा में जो कुल देवता है उसके नामानुसार भी शिशु का नाम रखा जाता है, और एक व्यवहारिक नाम होता है जो सामाजिक जीवन में व्यवहारिक कामों के लिए जिस नाम का उपयोग किया जाता है उसे व्यवहारिक नाम कहा जाता है। अब नक्षत्र नाम का महत्व क्या है? तो अश्विनी आदि 27 नक्षत्र समान उतने ही अधिष्ठाता देवता नक्षत्रों के माने गए हैं, जिसके अनुसार बच्चों का नक्षत्र नाम रखना चाहिए, ऐसा शंखलिखित एक स्मृति के रचनाकार कहते हैं। उदाहरणार्थ अश्विनी अगर नक्षत्र से है तो अश्विनी कुमार उसका नाम हो सकता है। नक्षत्र नाम का एक अन्य प्रकार भी प्रचलित है, वो भी हम जान लेंगे। यानी प्रत्येक नक्षत्र के चार चरण मानकर उस प्रत्येक चरण के एक एक अक्षर चरण को एक एक अक्षर दिया गया है। उदाहरणार्थ अगर अश्विनी नक्षत्र है तो उसे चू चे चो ला ऐसे चार चरण के चार नाम हैं। अगर भरणी नक्षत्र है तो उसके चार चरण के लिए ली लू ले लो इत्यादि ऐसे चार वर्ण उसको दिए जाते हैं। तो बच्चे का जन्म नक्षत्र के जिस चरण में होता है उस चरण के आद्याक्षर से उस शिशु का नक्षत्र नाम रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लेते हैं तो अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर किसी का जन्म होता है तो उनका नाम चुड़ेश्वर रख सकते हैं। भरणी नक्षत्र के प्रथम चरण में अगर किसी का जन्म होता है तो उस शिशु का नाम लीलेश्वर अथवा लीलादेव इत्यादि हम रख सकते हैं। मगर बौद्धायन के मतानुसार एक महत्व का उन्होंने हमें संदेश दिया है कि नक्षत्र जो नाम है वो गुप्त होना चाहिए, और यह नाम बच्चे के जन्मदिन पर ही रखना चाहिए। यह नाम केवल माता-पिता को ही ज्ञात हो तथा उसका उपनयन के समय गुरु को अभिवादन करते समय उसका उच्चारण हो, ऐसे भी कुछ आचार्यों ने सुझाव दिए हैं। परंतु वर्तमान के समय में यह नाम उपनयन के ही समय रखने की अभी प्रथा निर्माण हुई है, और नाम गुप्त रखने का उद्देश्य केवल यही है कि कोई शत्रु उस नाम द्वारा उस शिशु पर कोई जादू टोना या काली जादू ना करे, इस उद्देश्य से ही यह नाम गुप्त रखने के लिए कहा गया है। अब दूसरा जो होता है शिशु का वो मास नाम। मास नाम यानी उस मास के जो अधिष्ठाता देवता है उसके नाम से यह नाम शिशु का रखा जाता है। गर्ग ऋषि के मतानुसार मार्गशीर्ष माह को प्रथम माह मानकर अगर हम 12 माह देखते हैं तो उसके 12 देवता होते हैं। उसका क्रम ऐसे है, पहला है कृष्ण, दूसरा अनंत, अच्युत, चक्री, वैकुंठ, जनार्दन, उपेंद्र, यज्ञपुरुष, वासुदेव, हरि, योगीश एवं पुंडरीकाक्ष। ये सभी विष्णु के नाम हैं। इससे वैष्णव संप्रदाय के भारत में प्रतिष्ठित होने के पश्चात अर्थात सूत्रकाल के उपरांत मास नाम रखने की पद्धति प्रचलित हुई होगी ऐसे ध्यान में आता है। तीसरा जो शिशु का नाम रखा जाता है वो कुल देवता के नाम के संदर्भ में होता है। इस नाम में कुल देवता के नाम के आगे दास शरण इत्यादि उपपद लगाकर यह नाम रखे जाते हैं। कुल देवता अथवा इष्ट देवता यदि स्त्रीलिंगी हो तो भी पुत्र का नाम स्त्रीलिंग ही रखने की प्रथा कुछ स्थानों पर प्रचलित है। ऐसे समय में उस स्त्रीवाचक नाम के आगे जी शब्द को लगाकर उस नाम को पुरुषवाचक बनाते हैं। उदाहरण अगर शिवाई यह कुल देवता है, देवी शिवाई अगर यह कुल देवता है तो पुत्र का नाम शिवाजी रखा गया था। बनशंकरी यह अगर कुल देवी है तो पुत्र का नाम बनाजी रखा जाता है। अगर कुल देवी भवानी है
तो शिशु का नाम भगवान जी ऐसे रखा जाता है। और चौथा जो प्रकार है नाम का, वो है व्यवहारिक या लौकिक नाम। यह नाम व्यक्ति के दैनंदिन जीवन में जो व्यवहारिक कर्म किया जाता है, चाहे स्कूल में पढ़ाई हो या फिर संपत्ति या कुछ लेन देन के दृष्टि से हो, महज उसके लिए यह नाम रखा जाता है। मुख्य रूप से कुल की संस्कृति एवं प्रतिष्ठा को शोभा देने वाला अथवा जो शिशु के लिए मंगलकारक तथा उच्चारण के लिए सरल और सुनने में अच्छा लगे, ऐसे नाम रखने की एक प्रथा समाज में प्रचलित है। जी सर, गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने नामों के अलग अलग प्रकारों के विषय में हमें अभी ज्ञात करवाया। मैं पूछना चाहूँगा कि राशि के अनुसार भी नाम रखे जाते हैं, तो इसके बारे में भी आप हम सभी को मार्गदर्शन करें। हाँ जी, मतलब राशि के अनुसार भी शिशु के नाम रखने की एक परंपरा है और उसमें दो प्रकार से वो नाम रखा जाता है। पहला तो है कि चंद्र राशि के अनुसार एक नामकरण की पद्धति, यानी समझो शिशु के जन्म के समय चंद्र जिस राशि में होता है उसके अनुसार नाम का पहला अक्षर रखा जाता है, उसे चंद्र राशि के अनुसार नामकरण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर जन्म के समय चंद्र वृषभ राशि में हो तो नाम का पहला जो अक्षर होता है वह ब एवं अथवा उ होता है, जैसे ब्रिजेश है, वसंत है, उमेश है इत्यादि। और दूसरी जो पद्धति है वो सूर्य राशि के अनुसार नाम रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर यदि बालक का जन्म 12 मार्च को हुआ है तो उसकी सूर्य राशि मीन होती है और उस समय चंद्र राशि वृषभ भी हो सकती है। तो अभी हम नाम के विषय में अन्य कुछ प्रकार भी समझ कर लेंगे। एक प्रकार का नाम होता है जिसे कुत्सित नाम अथवा तुच्छता दर्शक नाम भी कहा जाता है, यानी किसी माता पिता के बच्चे अगर जीवित ना रहते हो तो जन्म लेने वाले बच्चों को कोई तुच्छता दर्शक अगर नाम रखे तो जीवन बच जाएगा, इस उद्देश्य से ऐसी एक लौकिक प्रथा शुरू हो गई। और फिर ये तुच्छता दर्शक नाम के उदाहरण क्या है, तो पप्पी, बुद्धू, बुद्धूराम, गिरव इत्यादि प्रकार के ये तुच्छता दर्शक नाम रखे जाते हैं। और ऐसे नाम रखने से अब बच्चा जीवित रहेगा और उसकी आयु भी लंबी होगी, ऐसी लोकमान्यता और लोगों का अनुभव भी है। किंतु हमें इसका शास्त्र समझ कर लेने चाहिए। जब हम किसी भी शिशु का नामकरण करते हैं तो उस नाम के शब्द के साथ शब्द स्पर्श रूप रस गंध और उस नाम से संबंधित शक्ति वहाँ पर जागृत होती है, नाम में आती है, वह कार्यरत होती है। और इस नियमानुसार अगर कोई तुच्छित नाम धारण करते हैं तो उस व्यक्ति में उस नाम के गुणधर्म भी आते हैं। घासीराम अर्थात घास, यह नाम पृथ्वी तत्व से संबंधित है, पृथ्वी तत्व अर्थात जड़त्व। घासीराम, घसीटराम ये नाम रखा हो तब भी इस प्रकार का नाम रखने पर उस व्यक्ति में भी एक जड़त्व उत्पन्न होता है। और इसलिए ऐसे अर्थहीन नाम ना रखे, सात्विक ही नाम रखे और यही अधिक उचित है। अब वनवासियों में एक नामकरण की पद्धति है वो हम समझ लेंगे। पूर्व भारत में जो वन्य जाति के लोग हैं वे अपने मृत पूर्वजों के नाम अपने बच्चों को देते हैं। उनकी यह मान्यता होती है कि उनके पूर्वजों की आत्मा नवजात बालक में प्रवेश करती है। वनवासियों का मानना है कि मृत पूर्वजों का आत्मा उस नवजात बालक में संक्रमित होती है। अन्य कुछ वन्य जातियों में जिस वृक्ष के नीचे बच्चे का जन्म होता है उस वृक्ष अथवा समीपवर्ती पहाड़ का नाम उस बच्चे को दिया जाता है। कुछ जातियों में बच्चों का नाम सप्ताह के जो 7 वार होते हैं उस दिनों के आधार पर भी नाम देने की प्रथा शुरू है। उदाहरण के तौर पर देखें तो सोमा, बुधा, शुक्रया इत्यादि वारों से संबंध भी नाम दिए जाते हैं। तो ऐसे कुछ अनेक प्रकार के नाम रखने की भी प्रचलित रूढ़ियाँ विविध क्षेत्र में चल रही है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पूर्वजों के नाम भी कई जगह पर रखे जाते हैं,
तो यही मैं पूछने जा रहा हूँ कि अनेक घरों में अभी भी वर्तमान समय में भी अपने पुरखों के नाम रखने की एक परंपरा या प्रथा लग रही है, तो इसके बारे में इसका क्या कारण है, तो वो भी आप हमें बताएं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि पुराने समय में श्राद्धादि कर्म उचित ढंग से किए जाते थे, प्रत्येक वर्ष पूर्वजों को पिंडदान किया जाता था, तो उस समय एक बार वो ठीक भी था, मगर जब वर्तमान स्थिति में यह सब अब नहीं किया जाता है, इसलिए अपने परिजनों का स्मरण हो इस उद्देश्य से पूर्वजों के अतृप्त लिंग देह अपने वंश के छोटे बच्चों को विविध प्रकार से वो कष्ट देते हैं। ऐसे पूर्वजों की स्मृति बनाए रखने के लिए वर्तमान में भी बच्चों को उनका नाम दिया जाता है, और पूर्वजों की इच्छा पूर्ण होने पर वे उस बच्चे को कष्ट देना छोड़ देते हैं, ऐसा मान्यता इस नाम देने के पीछे है। उसी प्रकार कष्ट रुकने से बच्चे का रोना भी रुक जाता है, ऐसे अनुभव आने के कारण यह प्रथा अनेक जगह चल भी रही है, किंतु शास्त्र क्या कहता है यह हमें समझने की आवश्यकता है। शास्त्र यही कहता है कि बच्चों का सात्विक ही नाम रखना चाहिए, और जो हमारे पूर्वज सात्विक है, अच्छे साधना करने वाले हैं, आचार विचार से उच्च आचार विचार के थे, ऐसे पूर्वजों का नाम देना बच्चों को एक बार उचित हो सकता है, परंतु हमारे कुछ पूर्वज यदि तामसिक वृत्ति के हो, आचार विचार उनके सात्विक नहीं हो, तो ऐसे पूर्वजों के नाम अपने बच्चों को ना रखे और उनके लिए कोई दूसरा अच्छा सात्विक नाम ढूंढे, ये बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा उसकी कुछ जो गुण दोष है उस बच्चे में आने की संभावना होती है। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, कन्या के नामकरण के विषय में शास्त्र क्या बताता है? कन्या के नामकरण में भी एक शास्त्र होता है, यानी एक विचारधारा के अनुसार, जैसे पुत्र का नामकरण 12वें दिन और पुत्री का नामकरण 13वें दिन करते हैं, और दूसरा जो है कि कन्या का नामकरण मंत्र रहित एवं पुत्र का नाम मंत्र सहित करे, ऐसे भी कहा जाता है। अब इसका मुख्य कारण क्या है? तो मंत्रों में ओम का उच्चारण बार बार होता है, और ओम के उच्चारण के कारण उत्पन्न जो स्पंदने हैं उसके कारण शरीर में अधिक मात्रा में तेज यानी उष्णता यानी शक्ति उत्पन्न होती है। अब पुरुषों के जननेंद्रिय शरीर के बाहर होते हैं, इसके कारण उसे इस उष्णता से कोई हानि नहीं होती है, परंतु स्त्रियों के जो जननेंद्रिय होते हैं वो शरीर के भीतर होते हैं, और ओम के उच्चारण से अगर तेज या उष्णता निर्माण होती है तो उससे उस स्त्री या शिशु को कष्ट हो सकता है। वो बच्ची जब बड़ी होती है तो उसको मासिक स्राव अधिक होना या ना होना, मासिक स्राव के समय वेदना अधिक होना, इस प्रकार की अनेक व्याधियाँ भी उस शिशु को जड़ सकती है। इसलिए कन्याओं का नामकरण मंत्र रहित ही किया जाए और लड़कों का नामकरण है वो मंत्र सहित किया जाए, ऐसे शास्त्र बताता है। जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हमें बताया। केवल मैं निवेदन करना चाहूँगा कि नामकरण के विषय में संक्षिप्त में अध्यात्म शास्त्र क्या कहता है वो आप हमें बताएं। नामकरण के पीछे का अध्यात्म शास्त्र भी हम जरूर जान लेंगे। जिस प्रकार जन्म लेने वाले गर्भस्थ शिशु का जो लिंग है, यानी वो बच्चा हो या बच्ची हो, ये जैसे गर्भ में ही निश्चित हो जाता है, उसी तरह बच्चे का नाम भी क्या होने वाला है यह भी गर्भ में ही निश्चित होता है, यह सबसे पहले हमें समझना आवश्यक है। क्योंकि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब घटक एकत्रित रहते हैं, इसलिए बच्चों का जो रूप है उसके अनुसार उनका नाम भी पहले से ही निश्चित होता है। केवल हमें उसका ज्ञान नहीं होता है और उन्नत पुरुषों को उनको ज्ञान होता है, यही फर्क है। यदि आप किसी उन्नत पुरुष, संत या अन्य कोई आपके परिचित नहीं है, तो आपके बच्चे का योग्य नाम क्या है यह जानने के लिए आप ज्योतिष शास्त्र का मार्गदर्शन जरूर ले सकते हैं। गुरुदेव डॉक्टर काटे स्वामी जी कहते हैं कि व्यक्ति का नाम लेने पर वह नाम केवल उसके शरीर का नहीं होता है, अपितु उसके आत्म चैतन्य में जो अधिष्ठित
उसका जो शरीर है उसका वो नाम होता है। धन्यवाद सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आज आपके माध्यम से 16 संस्कार के इस धर्म संवाद के कार्यक्रम में हमारे अनेक प्रश्नों के उत्तर सभी को मिले हैं। गर्भाधान से लेकर संस्कार, जो नामकरण संस्कार तक आपने जो जानकारी हम सभी को दी है वो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। यदि आप सभी के कुछ सुझाव अगर हो तो आप अवश्य आपके कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह विशेष धर्म संवाद यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।